अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम और दिल अजीज दोस्त, मैं आपका भाई कामरान और आज बात करूंगा हज खिदमत की वैकेंसी है। आप भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो एक्चुअली जब हज खिदमत की बात आती है ना, तो हमारे और आपके जहन में डायरेक्ट होती है हज खिदमत का काम, मुझे भी जाना है, हरम शरीफ में काम करेंगे। तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। हरम शरीफ की काम और हज खिदमत की काम क्या होती है आज मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में मुकम्मल बने रहें। कामरान भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन का नीचे है, जाएं कांटेक्ट करें जॉब के लिए। कामरान भाई की टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन का नीचे है, जाएं कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर आप काम किए हैं सऊदी अरब में तो आपको ये चीज़ के बारे में 100% नॉलेज होगी यकीनन, और अगर नहीं भी है तो मालूमात करना है, क्या दिक्कत है। किताबें खुली पड़ी है, बस पढ़ना है और इल्म हासिल करना है। ओके, बहरहाल चलो बात करते कि हज खिदमत की जॉब। अच्छा, हज खिदमत की जॉब है 35 से 40 हज़ार में जॉब का काम हो जाता है। पासपोर्ट लेकर आप आएंगे, इसकी जेरोक्स लेकर आएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आएंगे, ठीक है। 1 से 2 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, आप सऊदी अरब चले गए और आराम से काम करेंगे। जब हम वहाँ पहुँच गए तो अब हमारे जहन में ये होता है कि अब तो हम हरम शरीफ में काम करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि आप काम एग्जैक्ट करेंगे कहाँ, है ना। क्योंकि हज खिदमत की जब वैकेंसी आती है ना, तो हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। फिर हमारी जहन बिल्कुल इधर रहती है, एकदम दिमाग ना हम लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, बिल्कुल दौड़े दौड़े ऑफिस चले आए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हज खिदमत की काम में होता क्या है। देखो, आप यहाँ पे हो, चलो फॉर एग्जाम्पल आप कोलकाता में हो, आप अपने मोहल्ले में हो, तो जाहिर सी बात है आप अपने मोहल्ले के हर गली हर रास्ता हर चीज़ से वाकिफ होंगे। लेकिन थोड़ी सी दूर आप चले जाएं तो कुछ होटल का नाम कोई पूछ ले तो आप बता नहीं पाओगे, हालांकि आपके मोहल्ले में वो आ रहा, आपके इलाके में वो आ रहा, लेकिन आपको पता नहीं है। हज खिदमत में जो मुख्तलिफ कंट्री से हाजी आते हैं हज करने के लिए, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो आपसे कभी ये पूछ लें कि टॉयलेट कहाँ पे है, ये होटल्स कहाँ पे है, या चाइनीज़ फूड कौन सी जगह पे मिल जाएगी, इंडियन फूड तो हर जगह कोई भी बता देगा। तो बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, आप बता पाएंगे जब आपको मालूमात ही ना हो। जब हमें अपने मोहल्ले गली के बारे में मालूमात ना है पूरे मुकम्मल तरीके से, तो फिर वो भाई वहाँ पे तो लोग 10-10 साल गुजार देते हैं एक ही जगह में, बगल वाली गली के बारे में पता नहीं होता है। कामरान भाई कहना क्या चाहते हैं सिंपल अंदाज में आप बताइए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बता रहा हूँ, आप हज खिदमत में जा रहे हैं, साफ और सिंपल अल्फाज में समझे क्लीनिंग का काम है। आप जाइए, आप अपने दिमाग में ये नहीं रखें कि हरम शरीफ के अंदर काम करेंगे, हरम शरीफ के आजू बाजू में काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल क्लीनर में जाओगे, क्लीनर का काम करना है। और अगर मेरे अंदाज में नहीं समझ रहे तो मैं अपने दोस्त शमशाद भाई से एक वो वीडियो मंगाऊंगा जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास हरम शरीफ के प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो, हज खिदमत के प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट में भी काम कर सकते हैं, आप उस होटल्स में काम कर सकते हैं जहाँ पे हाजी रुकेंगे, उनकी क्लीनिंग का काम आप करेंगे, उसमें बाथरूम भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। आप मदीना में भी काम मिल सकता है आपको, आपको मक्का में भी काम मिल सकता है, आपको अरफात में काम मिल सकता है, आपको मीना मुजदलिफा में काम मिल सकता है। ये ना समझे कि हज खिदमत में हम जा रहे हैं तो हमको हरम शरीफ में ही काम मिलना है या मदीना मुनव्वरा में ही काम करेंगे हम। जी नहीं, बिल्कुल गलत। कितनी लाखों की तादाद में होटल्स हैं, कहीं भी आपको काम मिल सकती है, कोई भी चीज़ की। आप खाना पैकिंग करेंगे, इसकी भी काम मिल सकती है। आप खिदमत करने जा रहे हैं ना, ये खिदमत में गिनती आती है ना, तो अपने एजेंट से ये निकाल दें कि हरम शरीफ में काम मिलेगा, नहीं मिला तो एजेंट को एकदम खर्रा खर्रा सुना देंगे, अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें ये। तो अब वहाँ पे काम कौन करते हैं अगर हम लोग लेकर जा रहे हैं और हम लोग काम नहीं करेंगे तो? अब पता करें, मदरसे की बच्चे की छुट्टी हो जाती है हज के दौरान, सारे मदरसे के बच्चे उस वक्त काम में रहते हैं सरकार के तरफ से,
उनके गली में बजाबते ये कार्ड भी लटका दिया जाता है। जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें अरबी आती हैं, उन्हें इंग्लिश भी आती हैं, और वो लोग फिर हरम शरीफ के शहन के पास रहते हैं और अंदर में जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी क्लीनर का, वो लोग तो काम कर ही रहे हैं 12 महीना। तो ये चीज़ें हैं, अपने जहन से निकाल दें कि हम जा रहे हैं तो हम एग्जैक्ट हरम शरीफ में काम करेंगे। नहीं नहीं, आप मैंने जैसे बताया कि आप एयरपोर्ट में काम कर सकते हैं, आप मीना में काम कर सकते हैं, मुजदलिफा में काम कर सकते हैं, अराफात में आपको काम मिल सकता है, और पता है 6-6 महीना तक तो क्लीनिंग चलती है जो मुझे कल बताया गया, क्योंकि इतनी गंदगी हो जाती है कि 6-6 महीने तक क्लीनिंग चलती है। तो अपने जहन से ये निकाल दो, ठीक है, क्या कि हम जा रहे हैं तो हम हरम शरीफ में एकदम काम करना है जी, नहीं कहीं आपको बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा, कहीं आपको खाना भी पैक करना पड़ेगा, कुछ भी आपको करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग के भी काम करेंगे, हाजियाँ जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट में भी आपको काम मिल सकता है, शट डाउन की एक प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। मिजाज फ्रेश हुआ आपका, आप बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये नहीं कह रहा आप मत जाओ, आप जाओ, यकीनन जाओ, ये दुनिया बनाई ही है कि हम क्यों नहीं घूमेंगे, मिजाज हमारी खुलेगी, आंखें खुलेगी, सोच फिक्र चेंज होगा, आप यकीनन जाओ, लेकिन दिल दिमाग जहन जब इजाज़त दे जिस काम के लिए तब जाना, नहीं तो बाद में क्या हमारे जैसे ऑफिस वाले को गाली गलौज मत करना बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, अपने जहन में बैठा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाने से रोक रहा हूँ, ना ना बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत, मैं आपको जाने से नहीं रोक रहा, आप जाइए, लेकिन क्या काम होती मैंने बता दिया, वहाँ मदारिस के बच्चे जो होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हरम शरीफ में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग में से कोई वहाँ पर रहा 10-20 तो उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर क्लीनिंग के ही काम करते हैं। अगर इसमें अगर मैंने कुछ गलत कहा और आपको मालूमात है तो यकीनन कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे कामरान भाई का नंबर है, कामरान भाई की टेलीग्राम का लिंक है, वैकेंसी की अपडेट वहाँ पर होती है, जाएँ ज्वाइन करें और वैकेंसी को देखें, और सर्विस क्रू के काम के लिए कामरान भाई से कॉन्टेक्ट करें, मुख्तलिफ काम से नहीं, कामरान भाई से कॉन्टेक्ट करें। इस वक्त मैं कोलकाता में हूँ। बहुत शुक्रिया आपको, आप लोगों का।